एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में इन सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सबका इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग्स थी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी कुछ था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। और बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, तो जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को इन सारी पेंटिंग्स में से सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो पेंटिंग जो वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि शायद उस आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए जाकर के उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और जाकर के उससे पूछा कि क्या ये कोई गलती है, गलती से कहीं कोई गलत पेंटिंग तो आपने वहां पर नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, नहीं ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन करके गुस्से से भर गए और सबने मिल करके रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सारे मीडिया वाले अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और भागते हुए गए उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास में और अपने अपने माइक सुनके मुंह के आगे कर दिए। तो अगेन वो आर्ट गैलरी का जो ओनर था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार इस पेंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल है, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन एक चीज नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जा करके देखिए, वो जो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है, और ये ही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है और फिर हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जा करके बिठा दो, वो वहां पर भी जा करके दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास में सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। खरगोश और कछुआ। एक कछुए और खरगोश की दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ खेलते और घूमते फिरते। उनको मालूम था कि लड़ाई अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी आपस में लड़ाई हो जाया करती। होता यूं कि दोनों रास्ते में जा रहे होते तो खरगोश तेज चलने की वजह से आगे निकल जाता
और कछुआ अपने भारी जिस्म की वजह से तेज ना चल सकता और पीछे रह जाता, जिस पर खरगोश उसका मजाक उड़ाता। आपको तो मालूम है कि किसी का मजाक उड़ाना कितनी बुरी आदत है। आखिर एक दिन कछुए ने तंग आकर खरगोश से कहा, देखो मुझे भी अल्लाह ही ने पैदा किया है और तुम्हें भी अल्लाह ही ने पैदा किया है, इसके लिए तुम अपनी तेज चलने पर गुरूर मत करो। अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर तुमको अपनी तेज चलने पर गुरूर है तो आओ, हम दोनों मुकाबला करते हैं। खरगोश भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मुकाबला शुरू होते ही खरगोश तेजी से आगे की तरफ भागा। काफी दूर निकल जाने के बाद उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत देर के बाद यहाँ पहुँचेगा, जब तक मैं कुछ देर आराम कर लूँ। ये सोचकर वो एक दरख्त के नीचे सो गया। इधर कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खरगोश के पास से गुजरा। खरगोश सो रहा था, कछुआ सारी बात समझ गया। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और मुकर्ररा जगह तक पहुंच गया। अब खरगोश अपनी नींद से बेदार हुआ और भागता हुआ मुकर्ररा जगह तक पहुंचा, जहां कछुआ पहले से मौजूद था। खरगोश को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने गुरूर करने से तौबा कर ली और कछुए से माफ़ी मांगी। कछुए ने भी उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, हमें भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर एक को हम अपने से बेहतर समझेंगे तो कभी हमारे किसी से लड़ाई नहीं होगी। और जो किसी को तंग करने के लिए मजाक उड़ाता है, तो मरने से पहले अल्लाह ताला उसको भी उस कमज़ोरी में मुब्तला कर देते हैं। पछतावा। पापा, आज आप मेरे स्कूल मुझे लेने ना आइएगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। सरमत ने स्कूल बैग कंधे पर लटकाया और गेट की तरफ जाते हुए पापा से कहा। क्यों? पापा हैरान होकर बोले। वो असल में पापा, मुझे शर्म आती है आपकी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर बैठते हुए। मेरे सब दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, इनके ड्राइवर या इनके वालदैन उन्हें गाड़ियों में लेने आते हैं। सरमत की बात सुनकर इसके पापा का चेहरा उतर गया और वो तेज़ी से वापस मुड़ गए और सरमत स्कूल के अंदर चला गया। ये आज सुबह का वाकया पहला नहीं था। रोज़ाना सरमत का स्कूल जाने से पहले मूड ख़राब हो जाता था। वो तमाम रास्ते खामोशी से बाइक पर बैठा रहता था। आज पापा ने पूछ लिया तो ये जवाब मिला कि उसे बाइक पर बैठते हुए शर्म आती है। सरमत के पापा का एक छोटा सा जनरल स्टोर था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छे इंसान बने। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे। इसी वजह से उन्होंने सरमत को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। इसके छोटे भाई और बहन भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। सरमत सब में बड़ा था और सातवीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन सरमत की वहाँ चंद अमीरजादों से दोस्ती हो गई थी। वो इनकी गाड़ियों और इनकी पॉकेट मनी देखकर इन जैसा ही बनना चाहता था और पापा को बहुत तंग करने लगा था। कभी कहता, मुझे आपका सस्ता सा मोबाइल देखकर बहुत शर्म आती है, उसे बाहर ना लेकर जाया करें। कभी बाइक पर बैठते हुए मूड ख़राब कर लेता। उसे ज़रा एहसास ना था कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद इसके पापा इसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसकी मम्मा कपड़ों की सिलाई करती हैं, दोनों सारा दिन काम करके थक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सरमत और इसके बहन भाइयों की फरमाइशें पूरी करें। सरमत की गलत सोच और इसके मनफी रवैये का असर इसके छोटे बहन भाइयों पर भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके वालदैन हर वक्त परेशान रहने लगे थे।
आखिर एक दिन इसके पापा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तंग आकर उन्होंने सरमत से कहा, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, मेरे साथ दुकान पर बैठोगे। सरमत ने हैरानी से पूछा, क्या? तो पापा बोले, तुम्हें अपनी गुर्बत पर शर्म आती है। आज तुम पार्टी के लिए महंगे कपड़ों की जिद कर रहे हो, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यही कर सकता हूँ कि तुम्हें स्कूल ही ना भेजूँ। ठीक है, सरमत ने भी गुस्से से कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। आज इस बात को बहुत साल हो गए हैं। सरमत के छोटे भाई बहन पढ़ लिख चुके हैं और उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। छोटे भाई ने मैट्रिक में पोजीशन ली तो उसे स्कॉलरशिप मिल गई। बाकी पढ़ाई इसने स्कॉलरशिप पर की। इसके पापा इससे बहुत खुश थे। बहन को तालीम मुकम्मल करने के बाद लेक्चरारशिप मिल गई। सरमत से दूसरे नंबर वाला इससे छोटा भाई डॉक्टर बन गया। अब सरमत अफसरदा सा जनरल स्टोर पर बैठा होता है और सोचता है, काश इसकी सोच गलत ना होती, काश वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देता, वो दूसरों की गाड़ियाँ, मोबाइल और पॉकेट मनी से मुतासर ना होता और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी संवारता, माँ बाप की दिल आज़ारी ना करता। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो वक्त गुजर चुका जो कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे वो कितना ही पछता क्यों ना ले। प्यारे बच्चों, आप इस कहानी से सबक सीखें, आपका वक्त बहुत कीमती है, उसे ज़ाया ना करें। अमीर बच्चों की नकल करने की कोशिश ना करें, जो माँ बाप लेकर दें इस पर खुश रहें। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखें, सिर्फ उसी से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन सकती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।